इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। उत्तर प्रदेश में चल रहे वीकेंड लॉकडाउन में राहत की खबर। सरकार ने शनिवार को कोरोना कर्फ्यू में ढील दी, सिर्फ रविवार को रहेगा कोरोना कर्फ्यू जारी। 14 अगस्त से फैसला होगा लागू। उत्तर प्रदेश में अब कोचिंग संस्थान भी हो पाएंगे अनलॉक। कोचिंग संस्थानों को शर्तों के साथ खोलने की मिली इजाजत। 1 सितंबर से शुरू हो सकते हैं 6वीं से 8वीं तक के स्कूल। सितंबर के पहले हफ्ते से शुरू होगा एडमिशन। यूपी में नहीं होगी शराब की ऑनलाइन बिक्री। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शराब की ऑनलाइन बिक्री की इजाजत देने से किया इनकार। दासना देवी मंदिर में साधु पर हमले के मामले में गाजियाबाद में हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। झाल मजीरे बजाकर किया विरोध। गाजियाबाद के जिलाधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। साधु पर जानलेवा हमले के मामले ने तूल पकड़ा। विश्व हिंदू परिषद ने हमले के लिए दिल्ली की केजरीवाल सरकार को जिम्मेदार ठहराया। वीएचपी ने केजरीवाल सरकार की मुस्लिम तुष्टिकरण की नीति को जिम्मेदार बताया। साधु पर हमले के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में 2 पुलिसकर्मी सस्पेंड। गाजियाबाद के एसएसपी ने किया निलंबित। बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने हमले को दुर्भाग्यपूर्ण घटना बताया। सीएम योगी का संज्ञान लेने की बात कही। कानपुर बेलगाम गुंडों ने छात्र पर बरपाया कहर। मामूली विवाद में छात्र पर जानलेवा हमला। गुंडों ने ईंट से किया हमला। कानपुर के चकेरी में मामूली विवाद में 2 पक्ष आपस में भिड़े। दोनों पक्षों के बीच जमकर हुई मारपीट। कानपुर के छबीले पुरवा का मामला। बुलंदशहर में दबंगों ने क्लिनिक में घुसकर एक डॉक्टर को पीटा। क्लिनिक में आयुर्वेद डॉक्टर की पिटाई का ये वीडियो हो रहा वायरल। एटा के जवान अरविंद चौहान की कश्मीर के राजौरी में ड्यूटी के दौरान मौत। पार्थिव शरीर पर घर पहुंचने पर उमड़ा जनसैला। रामपुर में दिल्ली लखनऊ नेशनल हाईवे पर डबल डेकर बस पलटने से हादसा, 6 लोग घायल। कन्नौज में डीएम ऑफिस के सामने एक शख्स ने की पेड़ पर चढ़कर फांसी लगाने की कोशिश। ऑफिस के कर्मचारियों ने नीचे उतारा। कानपुर पुलिस ने 50 किलो गांजे के साथ 5 तस्करों को किया गिरफ्तार। मंगला विहार इलाके से पकड़े गए गांजा तस्कर। कानपुर में एयरफोर्स की शिकायत पर अवैध चमड़ा कारखाने पर हुआ एक्शन। फैक्ट्री में होता था लेदर प्रोसेसिंग और सुखाने का काम। बलिया में पुलिस और एसओजी का ज्वाइंट ऑपरेशन। 4 लुटेरों से करीब 5 लाख रुपए बरामद। गन पॉइंट पर एटीएम संचालक से की थी लूट। गाजीपुर में आरपीएफ ने पकड़ी 42 बोरी भांग। यूपी में सप्लाई करने का था प्लान। 42 बोरी भांग बिहार से लाए गए थे तस्कर द्वारा। जर्मन कैदी मैनफ्रिड को मिली गोरखपुर जेल से आजादी। 7 साल से नशीले पदार्थ की तस्करी मामले में काट रहा था सजा। अलीगढ़ में पुलिस का हॉर्स राइडिंग स्कूल खुला। 3 महीने में अलीगढ़ पुलिस ने तैयार किया हॉर्स राइडिंग स्कूल। कन्नौज में पुलिस के एक सिपाही ने बुजुर्ग को पीटा। पिटाई का वीडियो वायरल। एसपी ने सिपाही को किया लाइन हाजिर। ग्रेटर नोएडा में लड़की को छेड़ना पड़ा भारी। लड़की ने बीच चौराहे पर लड़के को जमकर पीटा। लखनऊ में शिक्षक भर्ती से जुड़े अभ्यर्थियों का प्रदर्शन जारी। पानी की टंकी पर चढ़कर अभ्यर्थी कर रहे प्रोटेस्ट। हरियाली तीज के मौके पर बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। सैकड़ों की तादाद में दर्शन करने पहुंच रहे लोग। अयोध्या 84 कोसी परिक्रमा मार्ग के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग ने शुरू किया सर्वे। 51 पौराणिक जगहों को जोड़ेगा 233 किलोमीटर लंबा मार्ग। प्रयागराज में गंगा और यमुना दोनों ही नदियां उफान पर, खतरे के निशान को पार कर ऊपर बढ़ रही दोनों नदियां। गंगा यमुना के रौद्र रूप को देखते हुए पीएसी, जल पुलिस और एसडीआरएफ के बाद अब एनडीआरएफ की टीम को भी बुला लिया गया। बाढ़ वाले इलाकों में अनाउंसमेंट्स के जरिए सुरक्षित जगहों पर जाने की बात कही जा रही है। घरों में फंसे लोगों को रेस्क्यू कर बाहर निकाला जा रहा है। प्रशासन लगातार कर रहा लोगों को बाहर निकालने की अपील, लेकिन घर में फंसे लोगों को सता रहा चोरी का डर। सीएम योगी ने बाढ़ में मरने वालों के परिवारों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी। बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद का भरोसा भी दिया। सीएम योगी ने लखनऊ में टीम 9 के अधिकारियों के साथ बैठक की। यूपी में बाढ़ के हालात से निपटने पर हुआ मंथन। जालौन में बाढ़ से बिगड़े हालात, सैकड़ों गांवों के संपर्क टूटे, हजारों हेक्टेयर फसल हुई बर्बाद। जालौन में बाढ़ के हालात से निपटने के लिए वायुसेना ने लगाए 3 हेलीकॉप्टर। शनिवार से अब तक 5,000 किलो राहत सामग्री पहुंचाई गई। वाराणसी में खतरे के निशान के ऊपर बह रही गंगा नदी, कुछ रिहायशी इलाकों में घुसा बाढ़ का पानी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाढ़ से जुड़े हालात को लेकर वाराणसी प्रशासन से की चर्चा। पीएम ने पूरी स्थिति का जायजा लेकर हर संभव मदद का दिया आश्वासन। वाराणसी में गंगा और उसकी सहायक नदी वरुणा में बढ़े जलस्तर से वाराणसी के 1 दर्जन से ज्यादा मोहल्लों में भरा पानी। बड़े बड़े मंदिर भी गंगा में समाये। यूपी सरकार के मंत्री नीलकंठ तिवारी ने वाराणसी में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया, लोगों को राहत सामग्री बांटी। भदोई में लगातार हो रही बारिश से लोगों की परेशानी बढ़ी, सड़कों पर भरा पानी, जिला अस्पताल में भी पानी भरा। मिर्जापुर में गंगा में बाढ़ की वजह से बढ़ी मुसीबत, सैकड़ों गांव तक पहुंचा गंगा का पानी। यूपी में कोरोना के 20 नए मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 1 मरीज की मौत। यूपी में कोविड के 545 एक्टिव मामले, पिछले 24 घंटे में कोरोना से 43 मरीज ठीक भी हुए। यूपी में कंट्रोल में आए कोरोना केसेस पर मंत्री सुरेश खन्ना का बयान, कहा कोरोना पर ब्रेक लगाने में मुख्यमंत्री और उनकी टीम 9 का अहम रोल। आईसीएमआर और यूपी सरकार के सीरो सर्वे में 18 साल से कम उम्र के बच्चों में मिली मजबूत एंटीबॉडीज। सीरो सर्वे बच्चों में भी कोरोना होने के संकेत दे रहा है। यूपी में अब तक 5,50,00,000 से ज्यादा टीके लगे। 4,64,00,000 से ज्यादा लगी पहली डोज। यूपी में अब से शनिवार को वैक्सीन की सिर्फ दूसरी डोज ही लगेगी। सोमवार से शुक्रवार तक दोनों डोज लगाने की सुविधा रहेगी।
मैनपुरी में पैसा लेकर कोरोना वैक्सीनेशन की पर्ची बांटने का वीडियो वायरल। मैनपुरी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मानपुर हरी का वीडियो बताया जा रहा है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए यूपी में बीजेपी की बड़ी तैयारी, 2 लाख हेल्थ वॉलंटियर्स तैयार करेगी पार्टी। हेल्थ वॉलंटियर्स की हर टीम में एक महिला और एक युवा भी होंगे शामिल। यूपी के गांव और वार्ड्स में जाकर लोगों की मदद करेंगे ये वॉलंटियर्स। हेल्थ वॉलंटियर्स को एक किट दिया जाएगा जिसमें थर्मल स्कैनर, पल्स ऑक्सीमीटर, सैनिटाइजर, मास्क और इम्यूनिटी बूस्टर रहेगा शामिल। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।